IPP ideas were floated. So dollar rate, percent rate, devaluation, and then to top it all, the Ukraine-Russia conflict that again took the price of oil. So it was not only the capacity price, but the pass-through item, which is the cost of fuel, that also skyrocketed. So ek analysis please uska zarur kijiyega, aur taaki wo bhi ek portion hai hamara district. Uske baad phir NTDC ka role. Main economic affairs ki ministry mein raha aur maine ek different cheez karne ki koshish ki. All of the funds that we were getting for projects in Pakistan were basically either provincial or with the federal government, and there was no mechanism of, it was just signing of agreement and the responsibility went on to the concerned departments. So I held a meeting with NTDC, and ek AP mein a grid station banna tha. For 2 years they could not acquire land. Reason was ye yahan se khat likhte the, wo wahan se 15 din mahine ke baad jaha, wo jo concept private sector ka hota na, you pick up that letter, go to the office and go there every day and try and get the land. Land acquisition honi thi, but there was nobody pursuing it properly. So NTDC ka role bhi ko bahut acha nahi raha, because we have not, funds were enough. There was no scarcity of funds. They were enough to cater for the job, but they were not doing the job well. In fact, I had to say in that meeting that I feel like getting all your loans, all your, there were soft loans, 40 years at hardly any interest rate. I felt that we should cut these and give it to somebody else, because they do not have the capacity to utilize those funds. Phir uske baad aapke discos bhi aa jate hain. Discos mein ab ek aur bhi ek cheez aapko dekhni padegi. So pehle aa gayi power generation, IPPs, power generation, dusri distribution, NTDC, aur teesri discos ki aa gayi. अब डिस्कोस का भी जो इशू है, वो भी जो लॉसेस हैं, अब इफ़ आई एम इन लाहौर, व्हाई शुड आई पे द लॉसेस ऑफ समबडी एल्स. हमने ये भी इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए कि द पावर प्लांट्स इन फ्यूचर एक्सेप्ट फॉर द हाइडल और न्यूक्लियर, दे शुड बी इंस्टॉल्ड क्लोज टू वेयर यू डिस्ट्रीब्यूटेड. ये जो डिस्टेंसेज हैं, दे क्रिएट अ लॉट ऑफ इशूज ऑफ ट्रांसमिशन ऑल्सो. और बट एक एरिया है, एक डिस्को है, उसकी रिकवरी 50% है, एक एरिया है उसकी रिकवरी 97% है, मगर बोझ 50% वाले का भी इनके ऊपर आ रहा है. और फिर ये जो सोलराइजेशन या अल्टरनेटिव एनर्जी का जो है कॉन्सेप्ट, आई थिंक वी ऑल हैव टू लुक इनटू इट. और प्राइम मिनिस्टर इज़ वेरी क्लियर, ये जो ट्यूबवेल्स अभी वो सिस्टम देना चाह रहे हैं सोलर, डिफरेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं वो सब इसके ऊपर सो रही हैं. वी हैव टू गेट इट, बट देन हु आर द पीपल हु एक्चुअली बाय द सोलर फॉर देम. आई हैव अ 25 किलोवाट यूनिट इंस्टॉल्ड सोलर इन माई रेजिडेंस. नाउ आई वॉज अ गुड पे मास्टर, सो अ गुड पे मास्टर हैज गॉन आउट ऑफ द सिस्टम एंड द बर्डन ऑफ द सिस्टम इज मच लेस. तो जो नॉन पे करने वाले थे, उनका नंबर फिर बढ़ जाता है, या जो बिल नहीं देते थे, या पैसे नहीं देते थे, या ज़बरदस्ती ले लेते थे, वट एवर द केस वॉज, तो वो फिर सिस्टम के ऊपर, डिस्कोस के ऊपर. जब अगर वो प्राइवेट सेक्टर का सिस्टम होगा, और वो तो फिर यही कहेंगे कि जी मुझे तो आप बिजली मैंने दी, उसके मुझे पैसे दीजिए, नहीं तो मैं तो नहीं दूंगा आगे. बट हमें फिर पॉलिटिकल भी आ जाता है, हमें हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का भी इशू आता है कि जी हमें बिजली ज़्यादा लोड शेडिंग क्यों हो रही है, कम क्यों दी जा रही है. ये सारा कुछ होलिस्टिकली देखना पड़ेगा. बट मेरी ये ख्वाहिश होगी कि आप लोग इसको पार्ट्स में कीजिए. हम जब बहुत ज़्यादा फ्रंट खोल लेंगे, तो शायद वी माइट गेट इंटेंगल्ड इन टू मेनी थिंग्स. एक मैंने नई चीज़ की है इस दफ़ा नेशनल असेंबली में आके. वी हैड रिसर्चर्स हु डिड द मास्टर्स फ्रॉम एंड बैचलर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, वेरी गुड रिसर्चर्स. आई हैव अटैच्ड देम विद द कमिटीज एंड गिवन देम कमिटीज आल्सो. सो व्हाटएवर कमेटी का जो एजेंडा होगा, उससे पहले दे हैव टू डू रिसर्च एंड प्रोवाइड.